हर्ष कुमार जी टिकट मांग रहे थे कांग्रेस में उदय भांजी से, टिकट उन्होंने, वो कहते हैं कि उदय भांजी ने टिकट नहीं लेने दिया, टिकटें पार्टी देती हैं जो भी होता है, या मदद नहीं की। आजकल कह रहे हैं झोली फैला के वोट मांगते हैं उदय भांजी के खिलाफ, कांग्रेस ने उनको पार्टी से बाहर कर दिया। पलवल को शहरी सीट माना जाता है और भारतीय जनता पार्टी का एक सर्वे आकलन था, मैंने उसमें देखा था कि वो पलवल को अपनी विनिंग प्रोस्पेक्टस सीट मानते हैं। इस लिहाज से आप क्या समझते हैं पलवल में क्या हो सकता है? अगली विधानसभा की बात करते हैं सुरजेवाला साहब, अगली विधानसभा है होडल, ब्रज का छेरिया उत्तर प्रदेश से टच करता हुआ शहर। मैं समझता हूँ कि वहाँ की जो चुनावी फाइट है वो मोहम्मद इसराइल, तैयब हुसैन भीमसिका और मनोज रावत, तीसरी विधानसभा सीट हथीन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। देश रोजाना की जो चुनावी यात्रा चल रही है, चुनावी परिक्रमा चल रही है, यह हम आपको बताया करते हैं प्रतिदिन कि हरियाणा के दिल में क्या है, हरियाणा की सत्ता के कौन नज़दीक पहुंच सकता है, जनता के दिल में क्या चल रहा है, जनता किसको चुनना चाह रही है। इस श्रृंखला में मैं अभी तक आपसे हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें जो हैं उनमें से 9 लोकसभा सीटों की हम बात कर चुके हैं, 9 लोकसभा की 81 सीटों के बारे में हम आपसे चर्चा कर चुके हैं कि कहां पर क्या माहौल है। अंतिम लोकसभा की सीट बची है फरीदाबाद की। मैंने आपसे कहा था कि फरीदाबाद की जो सीटों की चर्चा है इसको हम आपसे 2 पार्ट में करेंगे, तो आज हम फरीदाबाद लोकसभा का एक हिस्सा पलवल जिला है और जिसको ग्रामीण सीट कह सकते हैं, और दूसरा हिस्सा फरीदाबाद जिला जिसको शहरी कह सकते हैं। तो आज मैं पलवल यानी कि रूरल एरिया फरीदाबाद का, फरीदाबाद लोकसभा का रूरल ग्रामीण एरिया पलवल और उसकी 4 विधानसभा सीटें प्रतला, हथीन, होडल और पलवल, इन 4 विधानसभा सीटों पर बात करेंगे। मौजूद हैं मेरे साथ देवेंद्र सिंह सुरजेवाला जी, परिचित आप हैं ही, लगातार राजनीतिक मामलों की गहरी पकड़ रखते हैं और इसके साथ साथ हरियाणा सरकार में क्लास 1 के ऑफिसर सेवानिवृत्त हुए हैं। सुरजेवाला जी, पलवल जी ऐसे शायद कम ही शहर हैं देश में जिनमें कोई मात्रा ना हो, पलवल जितना सीधा दिखता है जी उतना ही अपने अंदर, कहते हैं पलवल के लिए कहते हैं कि यहाँ पल में बल आता है जी। यानी कि अब कोई बड़े आंदोलन ले लें, महात्मा गांधी की पहली गिरफ्तारी पलवल में, आध्यात्मिक अगर महत्व अगर आप देखें तो बताते हैं यहाँ पर बलदाऊ जी ने पलम्बासुर राक्षस का वध किया था जी। एक पुस्तक में पढ़ रहा था उसमें लिखा था कि पलवल का मतलब पल्लवों का शहर, तालाबों का शहर कहा जाता था इसको, पहले तालाब थे भी बहुत यहाँ पर जी। मतलब पलवल की विविधता, सुंदरता, ऐतिहासिकता जी, चाहे वो पौराणिक, चाहे धार्मिक, चाहे आध्यात्मिक, चाहे सामाजिक, हर महत्व में है। राजनीति में क्या समझते हैं आप? ये राजनीति में पलवल का अच्छा नाम रहा है और यहाँ पे बाबू कल्याण सिंह वहाँ बड़े अच्छे नेता रहे हैं जी। उसके बाद करण दलाल, उससे पहले रूपलाल मेहता जी, उससे पहले मास्टर श्यामलाल जी, और उससे पहले चौधरी धन सिंह रावत। हाँ, धन सिंह के बारे में ये था, वो ये कहा करते अक्सर जब भी किसी अधिकारी को फोन करते कि मैं धन सिंह विधायक हरियाणा सरकार बोल रहा हूँ, हरियाणा सरकार, संसदीय सचिव रहे थे वो जी। तो काफी अच्छा रहा है वहाँ, और तो उस लिहाज से जो है ना पलवल का में भी दबदबा रहा है। मैं बताऊं आपको, पलवल विधानसभा ने अगर समाज की बात करें जी तो सभी समाजों को राजी किया कभी ना कभी। यहाँ से गुजर समाज के नेता विधायक रहे 2 बार, बाबू कल्याण सिंह और सुभाष चौधरी। वैश्य अग्रवाल समाज के नेता विधायक यहाँ से रहे बाबू मूलचंद मंगला और दीपक मंगला जी। पंजाबी समाज के यहाँ से विधायक रहे बाबू रूपलाल मेहता और सुभाष कत्याल जी। जाट समाज के विधायक यहाँ से रहे चौधरी धन सिंह रावत, मास्टर श्यामलाल, करण सिंह दलाल कई बार। ठीक है, रिजर्वेशन में भी एक बार एरिया रहा था यहाँ का कुछ, तो उसमें यहाँ पर विधायक रहे थे छत्रपाल जी, हैं यहाँ के नेता, उनके पिताजी विधायक रहा करते थे, पंडित तुहिराम भी विधायक रहे जी। तो मतलब सबको पलवल ने दिया जी, सबका ध्यान रखा, सबको दिया। इस चुनाव में जो चुनाव चल रहा है जी, 2024 का चुनाव, अगर मैं सुरजेवाला जी, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ ये कई मायनों में अहम चुनाव है। बिल्कुल,
इस चुनाव के अंदर एक नेता तो वो है जिसका राजनीतिक अनुभव, जिसको चुनाव लड़ते हुए 35 साल हो गए, और सामने नेता वो है जिसकी उम्र 35 साल है जी। यानी कि करण सिंह दलाल का अनुभव 35 साल का है, आठवां चुनाव लड़ रहे हैं वो। बिल्कुल। 1991 से लगातार 1991, 1996, 2000, 2005, 2009, 2014, 2019, 2024, आठवां चुनाव, 35 साल का अनुभव, इसलिए मैंने कहा। ठीक है। सामने गौरव गौतम है, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट, उनका भी उम्र 35 साल है। क्या मानते हैं, कैसी फाइट? देखिए, ऐसा है कि जिस दिन गौरव गौतम को भाजपा ने जो टिकट दिया जी, डिक्लेयर हुआ, उस दिन पलवल शहर में यह हुआ कि एक तरफा चुनाव होगा। हाँ, लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि 10 बजे चुनाव खत्म हो जाएगा। यस, क्योंकि करण दलाल के सामने व्यक्तित्व के तौर पर, राजनीतिक अनुभव के तौर पर, और जो उनका कद है उसको देख के, उसको देख कर ये लगता था कि ये शायद कहीं ठहर नहीं पाए। आज उनको जो है चुनाव के अंदर काफी गौरव गौतम ने अपने सुधार आया है उनका। लोग कह रहे हैं कांटे का चुनाव है। कांटे का तो नहीं, क्योंकि उनको जो मिला ना बढ़त, वो पार्टी की वजह से ज्यादा है। एक और चीज है, जो नेता बड़ा होता है ना किसी भी क्षेत्र में, उनके दो तरह के वोटर होते हैं, प्री और प्रो। यस, करण दलाल एक अपने आप में एक शख्सियत है जिनका प्रभाव है, जिनके पीछे लोगों का एक हजूम है, और दूसरी तरफ कुछ लोग जो है उनसे थोड़ा छिटकते भी हैं। तो दो तरह के वोटर हुए ना। जितना बड़ा नाम है, होता है, हाँ, हर जगह कहीं भी हो, ये सिर्फ पलवल में चौधरी देवीलाल को कहीं भी गिराए में प्रोफेसर छत्रपाल ने चुनाव हरा दिया था। हाँ, चौधरी देवीलाल कहाँ और छत्रपाल कहाँ थे? छत्रपाल को कोई जानता भी नहीं था। वो ऐसे तो हरियाणा के अंदर बहुत सारे केस हैं जी। धर्मवीर ने बंसीलाल को गिरा दिया था। सुरजेवाला जी, मैं पलवल चौक में पास से चुनाव को देख रहा हूँ, पिछले काफी दिन से अवलोकन कर रहा हूँ, रोज देखता हूँ उस चुनाव को जी। जितना हुजूम आप बता रहे थे गौरव करण सिंह दलाल की सभाओं में है जी, उतना ही हुजूम गौरव गौतम की सभाओं में है। नॉमिनेशन फाइल हुआ 9 तारीख को, करण सिंह दलाल ने नॉमिनेशन फाइल किया, हाँ, और उनका एक जुलूस निकला जी। 11 तारीख को काउंटर किया गौरव गौतम ने। ठीक है। 11 तारीख को जो गौरव गौतम ने किया, लोग कहते हैं कि गौरव गौतम का जो जुलूस था, काफिला था, वो करण दलाल से बहुत बड़ा हो गया। ठीक है। लोगों के मन में एक बात चल पड़ी जो आप कह रहे थे 10 बजे जी, वो 11 तारीख को ही वॉश हो गई थी कि 10-11 बजे वाली कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं होता कि मजबूत पार्टी, एक राष्ट्रीय पार्टी और सत्तारूढ़ दल, उसका जो उम्मीदवार चुनाव लड़े उसको ये तो नहीं कह सकते भी वो एक तरफा है या फीका है। ये हो सकता है कि दूसरे या तीसरे स्थान पे चला जाए। तो जो गौरव गौतम को जो वोट मिल रहा है वो पार्टी की वजह से है। शहर बड़ा है, पीछे पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, उसमें भी बढ़त जो है ना भाजपा ने ली है वहाँ से। लेकिन जहाँ तक आपने कहा कि जुलूस, इन बातों से आंका नहीं जा सकता जी, ये भ्रम पैदा करता है। कई बार किसी एक उम्मीदवार का जुलूस इतना बड़ा होता है। एक बार नरवाना का किस्सा बताता हूँ। 1972 टेकचंद नैन वहाँ से आर्य सभा से चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस ओ से थे लाला गौरी शंकर, कांग्रेस पार्टी से थे चौधरी बीरेंद्र सिंह का पहला चुनाव जी। उचाना और नरवाना तब तक एक ही था। जो टेकचंद नैन का जो जुलूस निकला शहर में, जो कन्वेंशन बंद होती है, विजय, हाँ, जिसको रोड शो अंतिम कहते हैं, कहने लगे उस वक्त कुछ नहीं होता था, उस वक्त तो ये था प्रदर्शन के तौर पर उन्होंने एक जुलूस निकाला जी, बहुत बड़ा जुलूस था, और सबके मन में है कि ये तो नहीं, ये तो जीत चुके। तो दूसरे जो उम्मीदवार थे लाला गौरी शंकर, उन्होंने एकदम अपनी स्ट्रेटजी बदली और चुनाव के अंदर एकदम अपना सब कुछ झोंक दिया,
और नतीजा ये हुआ कि वो 1672 या समथिंग वोटों से वो कामयाब हुए। सुरजेवाला जी आप बात, लेकिन लग रहा था कि जुलूस को देख के कोई भी नहीं, सबके दांतों के तले होंगे, सब पूरा टिकचंद जीतेंगे, हर किसी के दिमाग में ये, मैं आपको वही बता रहा था, जुलूस से और जलसों से भीड़ से कई बार नहीं आंका जाता, ऐसे बहुत से किस्से हैं। अभी आप नरवाला बता दें, पलवल बताता हूँ क्योंकि हम पलवल में हैं, पलवल की बात ही करते हैं। बहुत जगह 2005 में जी चुनाव हुआ, 2004 में चुनाव हुआ, पांच का ही था असेंबली रिजॉल्व, ही पांच का था, चार में लोकसभा का था। 2005 में विधानसभा का चुनाव हुआ, ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी हरियाणा में, सुभाष कत्याल कैंडिडेट थे जी, और इधर करण सिंह दलाल कैंडिडेट थे पहली बार कांग्रेस से जी, पहला चुनाव कांग्रेस से था उनका। उस चुनाव के अंदर सुभाष कत्याल के साथ बड़ा हुजूम होता था, बहुत बड़ा काफिला होता था, 100-100 गाड़ियां साथ चलती थी उनके इलेक्शन ऑफिस में, ऐसा बहुत बार होता है। वही चुनाव हार गए वो 27,000 वोट से। करण सिंह दलाल का पिछला चुनाव था 2019 वाला, और दीपक मंगला उनके सामने थे, रोड शो को कैंसिल कर दिया था प्रशासन ने, जो अंतिम दिन जो आप बता रहे हो कि दोनों की तरफ से बड़ा हुजूम होने की उम्मीद थी, सीआईडी रिपोर्ट थी, नॉमिनेशन फाइल का जो जुलूस था करण सिंह दलाल का बहुत बड़ा जुलूस था जी, बजाय दीपक मंगला के जी। करण सिंह दलाल के जो कार्यक्रम होते थे उनमें खूब भीड़ होती थी जी। और चुनाव परिणाम आया, करण सिंह दलाल 29,000 वोट से हार गए। मैंने आपके बात बिल्कुल मान ली, ऐसा 1964 में जींद से हुआ था एक उपचुनाव, मतलब अब ये वाला वहम तो ये तो छोड़ देते हैं, बड़ा लंबे चर्चा हो जाएगी। बाबू जगजीवन राम देश के बड़े नेता थे जी, उनका जलसा हुआ जिसमें कहते हैं मात्र 400 लोग मुश्किल से हो गए। दूसरी तरफ चौधरी देवीलाल का जलसा जिस वक्त, उस वक्त जमाने में 15,000 से कम लोग नहीं होंगे, लग रहा था कि भाई इसमें भीड़ ज्यादा है। उनके जो उम्मीदवार थे चौधरी इंदर सिंह शौकन भी, वो चुनाव जीत रहे निर्दलीय थे। दूसरी तरफ दल सिंह थे कांग्रेस से जिनके पक्ष में आए थे बाबू जगजीवन राम, जिनके जलसे में मात्र 400 आदमी थे, कोई मुकाबला नहीं था, भीड़ को देख के लग ही नहीं रहा था, सबके दिमाग में था, लेकिन जीत दर्ज हुई दल से। ऐसे बहुत है, इस वक्त क्या फिजा है। अगर सुरजेवाला जी पलवल की बात करें जी, तो पलवल में कास्ट वाइज जब जाते हैं एससी वोटर बड़ा फैक्टर है जी, उसके बाद बीसी वोटर भी लगभग एससी वोटर के बराबर है, ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जाट मतदाता, फिर ब्राह्मण और गुजर लगभग बराबर हैं, ठीक है, उसके बाद फिर पंजाबी मतदाता आ जाते हैं, फिर वैश्य मतदाता आ जाते हैं, फिर तमाम और राजपूत, ये सब हो गए, ठीक है। पलवल को शहरी सीट माना जाता है जी, और भारतीय जनता पार्टी का एक सर्वे आकलन था, मैंने उसमें देखा था कि वो पलवल को अपनी विनिंग प्रोस्पेक्टस सीट मानते हैं जी। इस लिहाज से आप क्या समझते हैं पलवल में क्या हो सकता है। देखिए पीछे का जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसके अंदर अगर आप ग्रामीण क्षेत्र को और शहरी क्षेत्र को आंकें तो आंकलन में ये आता है कि शहरी सीट पे भाजपा आगे रही और ग्रामीण क्षेत्र में निसंदेह कांग्रेस आगे रही। तो जैसा आपने कहा कि भाजपा कहती है कि भी उस सीट को अपना मानते हैं, लेकिन इस वक्त हालात के मुताबिक जो चुनाव की जो दौर चल रहा है उसमें वो सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है, ऐसा बिल्कुल प्रतीत हो रहा है पलवल। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि करण सिंह दलाल, जैसे मैंने शुरू में कहा कि बड़ा नेता होता है तो उनके पक्ष में भी और विपक्ष में कुछ लोग खड़े हो जाते हैं। कुछों का ये होता है कि ये बड़ा नेता है आगे हमारे को नहीं आने देगा, छोटे भैये नेता टांग खींचने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन सारी बात के बावजूद उस नेता का, जो मैंने कहा ना बड़ा नेता है तो उसका वजूद भी होता है, लोगों को ये भी रहता है कि ये हमें संरक्षण देगा, हमारे काम आएगा, पर निसंदेह जैसा कि हवा है कि इस वक्त कांग्रेस की सरकार होगी और उसमें करण सिंह दलाल जो है ना उड़ा साहब रिश्तेदार है, रिश्तेदार भी है, उनका अपना व्यक्तित्व भी है, उनका अपना व्यक्तित्व है और वो ठीक है कि हुड्डा साहब के भी रिश्तेदार हैं, तो आज लगता है उनका अपने व्यक्तित्व के कारण से लोगों को ये भी है कि ये हरियाणा सरकार में एक दमदार नेता होंगे, दमदार मंत्री होंगे। आपने सारी बातें कही करण सिंह दलाल की जी,
अब मैं आता हूँ गौरव गौतम पर जी। गौरव गौतम का जो पॉलिटिकल सिनेरियो शुरू होता है वो 2017-18 के आसपास शुरू होता है। हाँ। आज की तारीख में वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव हैं। ठीक है। नेशनल लेवल के नेता जी। चुनाव प्रचार करने उनका मोदी आ रहे हैं जी। चुनाव प्रचार करने उनका अनुराग ठाकुर आ रहे हैं जी। नॉमिनेशन की फाइल के अंदर कई राज्यसभा के मेंबर सब उनके आगे पीछे थे जी। गौरव गौतम अपनी सभाओं में कहते हैं कि हिंदुस्तान के जिस भी राज्य में भाजपा की सरकार हो मुझे वहाँ के लिए काम बता देना। ठीक है। अगर आप कह रहे हो वजूद अस्तित्व और आप उस दोनों बराबर बाहे थे इस बात पे आकर के तो कैसे काम तो लोगों को यहाँ से होंगे, मुझे झारखंड में क्या करना है, मुझे तो यहाँ चाहिए ना। ये चुनाव विधानसभा हरियाणा विधानसभा का है, उत्तर प्रदेश या राजस्थान या झारखंड या जो है ना कर्नाटका के लिए नहीं है। क्या आपको लगता है हरियाणा में क्लियर कांग्रेस आ रही है क्या? वाह, इस वक्त लोग तो अभी लोग जिक्र कर रहे थे योगेंद्र यादव, एक बड़े सुलझे हुए एनालिस्ट हैं। लोग उन कहते हैं कांग्रेस समर्थक हैं। देखिए वो, मैं उनके पिताजी को भी जानता हूँ, उनके बारे में भी समर्थक कोई किसी पार्टी का हो सकता है, विचारधारा किसी से मेल खा जाए, वरना वो सोशलिस्ट टाइप जाता है। भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक भी थे। नहीं, भारत जोड़ो इस वक्त होंगे, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था वो कांग्रेस के आलोचक भी बड़े रहे हैं, आम आदमी पार्टी में जाकर। आम आदमी पार्टी से पहले भी रहे हैं जी। उनका अगर जीवन का वो देखे ना तो ज्यादातर कांग्रेस के आलोचक रहे। तो क्या कह रहे थे योगेंद्र यादव? योगेंद्र यादव जी ने कहा कि इस वक्त हरियाणा में हवा चल रही है, हो सकता है ये आंधी में कन्वर्ट हो जाए और लगता है कहीं ये जो है ना तूफान ना बन जाए, सुनामी तूफान। मैं सुन रहा था उसके बाद। तो ये आम लोगों के बीच में ये बात है इस वक्त। तो उस हवा का देखिए, 1977 का चुनाव देखा तब एकदम ऐसा। हाँ, चली। तो 1987 का चुनाव देखा, लगभग 2005 का भी, तो ऐसी हवाएं चली और उनका नतीजा बिल्कुल वैसा ही था। पलवल में क्या लगता है आज हरियाणा के अंदर जो कह रहे हैं लोग की हवा है, तो ये मान के चला जाए कि वो जैसा मैंने बताया 1977 1987 2005 और उनके नतीजे वैसे आए। तो पलवल में असर रहेगा इस हवा का क्या? मैंने तो शुरू में कहा कि भी पलवल में करण सिंह दलाल इस वक्त भी आगे हैं और चुनाव उनके पक्ष में जा रहा है और वो जीत दर्ज करने की तरफ है। चलिए, बाकी मतदाता पलवल आपने एज कह दिया, बिल्कुल मुकाबला भी आप कर रहे हैं कि खड़ा मुकाबला भी नहीं आप कह रहे हैं? इतना ज्यादा मैं नहीं समझता। ठीक है, लोगों में हवा है, पार्टी है, चुनाव लड़ रही है और साधन संपन्न पार्टी है, सभाओं में। और मैं कहूंगा कड़ा मुकाबला है और करण दलाल को एज है जी। अगली विधानसभा की बात करते हैं सुरजेवाला साहब। अगली विधानसभा है होडल जी, ब्रज का छेरिया, उत्तर प्रदेश से टच करता हुआ शहर। बिल्कुल। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं चौधरी उदयमान जी, कांग्रेस कैंडिडेट जी, उनके सामने हैं वो भी नए नवेले कह लो। हाँ बिल्कुल, नए, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, पॉलिटिकली नए हैं, पिताजी एमएलए रह लिए उनके, वो अलग बात। हरेंद्र सिंह, ये तो इनके पिताजी तो बहुत पहले रह लिए उदयमान जी के। तो उदयमान जी के पिताजी भी और उदयमान के दादाजी भी सब राजनीति सक्रिय थे पूरी तरह से। कैसा मुकाबला है दोनों? मुकाबला सीधा सीधा है वहाँ पे आमने सामने का। मुकाबला सीधा ही है जिसको कहें, लेकिन टक्कर नहीं है, मुकाबला है। वो जो एक वो चाहता है आते हैं ना चुनाव के अंदर कि कोई टक्कर में नहीं है, ऐसा कुछ एक डायलॉग बोला जाता है। वो कहते हैं क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो वही चीज है, होटल में भी कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई नेक टू नेक फाइट हो जी। पार्टी है, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि भाजपा को अब कब ना आके, पार्टी है, बाकायदा काडर है, साधन है, संपन्न है, कार्यकर्ता है, बहुत बड़ा संगठन है और उस नाते सत्तारूढ़ दल है। होडल के अंदर नाते वोट हासिल करेंगे। होडल के अंदर जी जगदीश नायर कैंडिडेट हुआ करते थे जी, 3 दशक चुनाव लड़ा उन्होंने। हाँ। अब की बार मैदान में नहीं है। ठीक है। हर्ष कुमार का असर रहता है होडल में। हाँ, स्थानीय नेता है, चुनाव तो हथीन लड़ते रहे हैं, वैसे उनका अपना गांव होडल में है, होडल में पालड़ी उनका गांव है जो। हाँ, पहले हसनपुर क्षेत्र कहलाता था ये होडल जी। तो हर्ष कुमार जी टिकट मांग रहे थे कांग्रेस में जी,
उदय भांजी से टिकट उन्होंने, वो कहते हैं कि उदय भांजी ने टिकट नहीं लेने दिया, टिकटें पार्टी देती हैं जो भी होता है, या मदद नहीं की जी। आजकल कह रहे हैं झोली फैला के वोट मांगते हैं उदय भान के खिलाफ जी। कांग्रेस ने उनको पार्टी से बाहर कर दिया जी। घूम रहे हैं हरिंदर के साथ, उनका भी कोई फैक्टर रहेगा क्या? देखिए हर्ष कुमार का 2-3 हलके में अच्छा असर रहता है, खासकर 2 हलके, होडल और हथीन तो उनका अपना क्षेत्र है जहाँ पे वो विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, और वो होडल शहर में रहते हैं, उनका एक अच्छा वो है, एक वोट, एक सेक्शन ऑफ वोट, उसमें अच्छा प्रभाव। उदय भान के चुनाव कितना प्रभावित करेंगे? थोड़ा बहुत तो करेंगे ही, देखिए कहीं चुनाव की हवा तो नहीं बदल सकते? नहीं, ऐसा नहीं है कि भाई वो एकदम बाजी को पलट दें। उदय भान जी की फेवर का चुनाव माना जाए क्या? बिल्कुल, चुनाव को उदय भान के पक्ष का माना जाए। बिल्कुल। 3 फैक्टर हैं होडल के अंदर जी। एक होडल का पुराना शहर जिसमें 24 है, जिसके अंदर बड़े गांव हैं, दिघौट से लेकर बंचारी तक, सौंत से लेकर भिड़ू की खामी, एक शहर का एरिया है लगभग जहाँ पर 48-50 हज़ार वोट हैं जी। और तीसरा एरिया वहाँ पर यूपी की कॉलोनियाँ हैं, वो शहर में भी हैं और गाँवों के साथ भी लगती हैं। तीनों फैक्टर को जोड़ करके चलेंगे तो आप तीनों फैक्टर को जोड़ करके क्या उदय भान जी को आगे मान रहे हैं? देखिए ग्रामीण क्षेत्र में तो नहीं समझे उदय भान जी आगे है ही, रहा जहाँ तक होटल में, वो खुद उनका अपना है, वो होटल म्यूनिसिपल कमेटी के अंदर भी उनका अच्छा प्रभाव रहा है हमेशा ही। अच्छा, वो उनको वो जो प्रदेश अध्यक्ष बने जी, उससे कितना फायदा मिलेगा उनके चुनाव को? डेफिनेटली उसका बहुत बड़ा फायदा है, उनका कद एकदम से बहुत ऊंचा चला गया। केवल मुकाबला माने, कोई टक्कर या कांटे की टक्कर माने या कुछ क्या माने? कांटे की टक्कर नहीं है, वो बहुत कंफर्टेबल जोन में है उदय भान। मैंने बताया पलवल में करण दलाल जी बहुत कंफर्टेबल जोन में है, ऐसे ही उदय भान जो है ना बड़े कंफर्टेबल जोन। ग्रीन सिग्नल, ग्रीन से पूरी तरह से, पूरी तरह से। तो ये होडल के लिए सुरजेवाला जी कह रहे हैं उदय भान बिल्कुल कम्फर्ट जोन में है, कोई परेशानी नहीं है। तीसरी विधानसभा सीट हथीन, मोहम्मद इसराइल कांग्रेस के कैंडिडेट, चौधरी जलेब खां के बेटे। एक बार चौधरी जलेब खां 2009 में विधायक रहे, इंडिपेंडेंट जी, चुनाव जीता, संसदीय सचिव रहे जी। 2014 में चौधरी जलेब खां चुनाव जीत नहीं पाए, 2019 से पहले जलेब खां जी का इंतकाल हो गया जी। टिकट मिला इसराइल मोहम्मद को, इसराइल चुनाव मैदान में रहे, पिछला चुनाव थोड़े से वोटों से लूज कर गए। इस चुनाव में फिर कांग्रेस से हैं, बीजेपी ने नए नवेले नेता को टिकट दिया है, मनोज रावत जिला परिषद की चेयरमैन, उनकी धर्मपत्नी। इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी का असर, जो पूरे फरीदाबाद लोकसभा की सीटें हैं उनमें से एक हथीन है जहां पर असर है, एक एनआईटी में है, एक हथीन में है, हथीन तो उसका भी असर है, काफी प्रभावित क्षेत्र। प्रभावित क्षेत्र कुछ नहीं था, कैंडिडेट सेवा की वजह से असर पड़ा, पहले बीच में 2019 कुछ नहीं था वहां पर, वो अलग बात है। फिर भी चलिए, खैर आ जाते हैं उसी बात पे आते हैं। केयर सिंह एमएलए भी रहे, केयर सिंह का आपने नाम ले दिया, केयर सिंह चुनाव मैदान में निर्दलीय जी। मनोज रावत उन्हीं के गांव के हैं, यानी कि नांगल जाट के दो कैंडिडेट हैं, दोनों रावत हैं। कैंडिडेट और भी हैं, धर्मेंद्र तेवतिया इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, बार एसोसिएशन के प्रधान थे, जिला परिषद के मेंबर हैं आजकल, ठीक है। कर्नल राजेंद्र रावत चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से, सैनिक रहे हैं, लंबा टाइम सेना में सेवा की है जी। रतिपुर एक रविंदर सहरावत हैं कैंडिडेट, सहरावत पाल के जी, जेजेपी की चाबी से कोशिश कर रहे हैं, कहीं लग जाए किसी ताले में अगर, ठीक है। तो ये कैंडिडेट सारे हैं, मुकाबला मैं समझता हूँ कि वहाँ की जो चुनावी फाइट है जी, वो मोहम्मद इसराइल, तैयब हुसैन भीमसिका और मनोज रावत, बिल्कुल तिकोनी है मुकाबला, बाकी तो बाहर है। बाकी बाहर, बाकी चुनाव को प्रभावित बहुत कर रहे हैं, वो तो वोट कटाव भी होते हैं। हथीन का चुनाव सुरजेवाला साहब, माना जाता है हिंदू मुस्लिम का चुनाव बनता है हर चुनाव के अंदर जी, हर चुनाव में मैंने देखा जो वहाँ के इलेक्शन को हो जाता है, क्योंकि होना नहीं चाहिए दुर्भाग्य से, बट हमारे देश के अंदर जाति है, मैं कई बार कहा करता हूँ कि जाति नहीं, चुनाव में सबसे ऊपर ये जाति धर्म का मामला रहता है, चुनाव से ही जाति है जिंदा, चुनाव से जाति जिंदा, कोई जाति नाम की चीज है ही बिल्कुल, वरना तो जाति रहे ही ना, नहीं रही, वरना तो जाति रहे ना, चुनाव के लिए ही जातियों को जिंदा रखा हुआ है। जो चुनाव है हथीन का मैं बता रहा था आपको जी,
हिंदू वर्सेज मुस्लिम जब बात आती है तो हिंदू कैंडिडेट अब की बार बहुत सारे खड़े हो गए हैं, ये बीजेपी को प्रभावित कर रहे हैं। इधर मोमडन जो मुस्लिम समाज का एरिया है, जो मेव मुस्लिम, अब देखिए अगर आते हैं तो हिंदू समाज के अंदर भी तमाम कास्ट हैं और मुस्लिम समाज में भी तमाम कास्ट हैं। मैं एक दिन परिभाषा देख रहा था, मुझे कोई बता रहे थे कि जैसे हिंदू समाज के अंदर हैं कि भाई ये क्षत्रिय हैं तो वहाँ कहते हैं वहाँ पठान है, यहाँ कहते हैं कि ये हिंदुओं में जो बैरागी जोगी होते हैं कहते हैं वहाँ पर वो फकीर हैं, जो यहाँ कोरी है वहाँ कहते हैं वो जुलाहे हैं है। तो इस टाइप से वहाँ भी सब कुछ है, बीसी वहाँ भी बड़ी संख्या में है जी। सक्का फकीर मुस्लिम सभी हैं जिसको मुला जाट कहते हैं तो उस चुनाव में जी। अब की बार ये वाला भी भुनाया जा रहा है मैटर सारा जी। क्या समझे उस चुनाव का, हथीन के चुनाव का? ये जातिवाद का और जात प्रथा का जो है ये हिंदुओं में ज्यादा है, लेकिन जहाँ तक है जातियाँ तो दूसरे संप्रदाय में भी, लेकिन उनका मैं नहीं समझता कि इस तरह का कोई बिखराव आएगा चुनाव के अंदर दिखाई देगा ऐसा कुछ। मुस्लिम मतदाता जो है इस वक्त वो कांग्रेस का साथ दे रहा है, पीछे जो दंगे हुए आपके नू वाले नू में, उससे पहले उत्तर प्रदेश का और कई बहुत से कारण है। एक ये भी बहुत बड़ा कारण है कि लोग तो यही कहते हैं कि सत्तारूढ़ दल ने मुस्लिम मतदाताओं को एक तरफ से आइसोलेट कर दिया, ध्रुवीकरण जो हुआ, ध्रुवीकरण हुआ, उससे वो मतदाता जो है मुस्लिम मतदाता वो जाने अनजाने जैसा भी है अपने उसके लिए वो कांग्रेस के साथ है। ऐसा कुछ मतलब जहाँ पार्टी जो मुकाबला कर रही है बीजेपी से उसके साथ, उसके साथ है, चाहे यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ था, ऐसा कुछ बिखराव नहीं है कि भी वो मुस्लिम मतदाताओं में बिखराव होगा जाति में और वो इधर उधर छटक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो क्या माने ज्यादातर जो है ना वो कांग्रेस के साथ है मतदाता, और पीछे पार्लियामेंट का जो चुनाव हुआ उसमें भी वहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने अच्छी बढ़त ली, 52,000 वोट की बढ़त, वो सारी बातों को देखते हुए कांग्रेस का पलड़ा भारी है। मोहम्मद इजराइल वो विनिंग प्रोस्पेक्टस, तैयब हुसैन टक्कर में या बीजेपी टक्कर में? देखिए तैयब हुसैन एक मजबूत वो है उम्मीदवार, पिछले चुनाव का भी देखें उन्होंने बीएसपी से लड़ा और अच्छी वोटें हासिल की, तीसरे नंबर पर रहे थे हाँ, लेकिन फिर भी 35,000 इतने वोट ली थी लगभग, उन्होंने वोटें हासिल की हैं और नया चेहरा है और अच्छा उनका प्रभाव है इलाके में। तो फाइट इसराइल की तैयब हुसैन भीमसिका से या मनोज रावत से? मैं तो ये समझता हूँ कि फाइट जो है ना दोनों से, दूसरे तीसरे के बीच में है, यानी कि इसराइल नंबर वन है, तैयब हुसैन और मनोज रावत में नंबर दो और नंबर तीन की फाइट रहेगी इसराइल को, हो सकता है तैयब जो है ना नंबर दो पोजीशन में आ जाए। जैसा मोहम्मद इजराइल क्लियर नंबर एक पर है, उनके पीछे इनेलो का भी वोटर है, उनके पीछे वो तो बहुत सारे समीकरण चलेंगे, बहुत सारे समीकरण चलेंगे, जिनको जेई नहीं चाहिए वो सब लग जाएंगे तैयब हुसैन के साथ, ये सब लोकल राजनीति में होता भी है, तो मोहम्मद इजराइल को हम एज दें वो चुनाव जीत रहे हैं, कोई मुकाबला मतलब आप कह रहे हैं कि मुकाबला दूसरे तीसरे वालों पर होगा, वो नंबर एक के लिए कोई फाइट नहीं है। चलिए सुरजेवाला जी, पलवल के अंदर मैं गिनता हूँ पृथला विधानसभा को हमेशा से ही, पलवल रूरल एरिया है वो भी और ग्रामीण है, पृथला जो है इटसेल्फ पलवल में आता है, बाकी वो क्षेत्र जो है ना उस विधानसभा फरीदाबाद जिले में गिना जा रहा है, फरीदाबाद जिले का ज्यादा है पर वो रूरल है तो मैं पलवल गिनता हूँ, पृथला इटसेल्फ हेडक्वार्टर जो है ना वो पलवल में, वो पलवल में। पृथला विधानसभा की बात करूँ तो यहाँ पर कांग्रेस से कैंडिडेट रघुवीर सिंह तेवतिया जी 2009 में चुनाव जीते, 2014-2019 हार गए जी, राजनीतिक सूखे में थे, अब इलेक्शन लड़ रहे हैं फिर से चौथी बार लगातार कांग्रेस ने उनको टिकट दिया है, एक चुनाव जीते दो हारे जी। दूसरे कैंडिडेट टेकचंद शर्मा जी 2009 में बीएसपी से चुनाव हारे जी, 2014 में बीएसपी से चुनाव जीते जीते, 2019 में बीएसपी ने टिकट ना बीएसपी ने दिया ना बीजेपी ने दिया, वो बीजेपी में आ गए थे जी, चुनाव लड़ा नहीं, ठीक है एक लड़ा एक दो लड़े एक हारे एक जीता और अब तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। बीच में है दीपक डागर
जी दीपक डागर बीजेपी के वर्कर थे, चुनाव मैदान में हैं और उनको आज समर्थन दे दिया आजाद समाज पार्टी और जेजेपी ने भी। जी उनका जो कैंडिडेट था उसने सपोर्ट कर दिया रघुवीर सिंह तेवतिया को। जी गिरिराज जटोरा ने। जी चौथे कैंडिडेट हैं नैनपाल रावत जी इंडिपेंडेंट जी निवर्तमान विधायक जी। पांचवें कैंडिडेट हैं सुरेंद्र वशिष्ठ जी बीएसपी और इंडियन नेशनल लोकदल कैंडिडेट, हाथी पे चढ़ के घूम रहे हैं हम जी। छठे कैंडिडेट है कौशल ततारपुर आम आदमी पार्टी के। ऐसे बहुत हो मुख्य कैंडिडेट जो हैं वो हैं दोनों दो रघुवीर सिंह तेवतिया और टेकचंद शर्मा। बिल्कुल तीसरा मैं मान रहा हूँ इसके अंदर दीपक डागर कई मुकाबले में आने की कोशिश करेंगे, कितना आते पता नहीं अभी कोई नहीं जी। चलिए इन दोनों कैंडिडेट्स पर अगर आए तो ऐसा है कि आपने इतने सारे नाम गिना दिए ये कहीं मुकाबले में नहीं है दूर दूर तक भी जी। मुकाबला दो के बीच नैनपाल रावत कहीं मुकाबले में या नहीं? नहीं इस चुनाव में वो ज्यादा नहीं है, हो सकता तीसरा स्थान वो दर्ज करेंगे लगता है, चौथा मुझे लगता है तीसरा भी कर सकते हैं चौथा करेंगे जी। वो तो वक्त बताए जी। लेकिन मुकाबला दो के बीच ही है जी। एक तरफ रघुवीर तेवतिया है जो पहले विधायक रहे, दूसरी तरफ टेकचंद है वो भी विधायक रहे। तो जहाँ तक है रघुवीर तेवतिया के हक में जो जाता है जी वो पृथला से जैसा लोकसभा के जो चुनाव हुआ उसमें बढ़त रही करीब 7,500-8,000 रुपये 7,500 या समथिंग जी। तो उस बार कांग्रेस पार्टी की पिछला चुनाव ये जो लोकसभा का चुनाव गया 8,000 के आसपास लीड रही। हाँ, लीड जो थी ना कांग्रेस ने बढ़त दर्ज की थी। हाँ, ना बेशक पार्लियामेंट में लूज किया हो फरीदाबाद लेकिन उस सेगमेंट से कांग्रेस ने बढ़त दर्ज की। हथीन में 52,000 की जीत दर्ज हुई और यहाँ में लगभग 8,000 की और होरल में 500 वोट की। तो उन बातों को देखकर ग्रामीण क्षेत्र है जी, कई बड़े गांव भी इसमें आते हैं पृथला इटसेल्फ मोना छायसा दयालपुर सीकरी फतेहपुर बिलोच अलावलपुर जनोली कई बड़े गांव इसके अंदर हैं और ये देहात का इलाका है। तो ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस पिछले चुनाव को देख के और आज के दिन में जो माहौल बना हुआ है वो कांग्रेस के पक्ष में है। तो इन सब बातों को अगर देखा जाए और तो लग रहा है कि चुनाव जो है वो रघुवीर तेवतिया के पक्ष में जा रहा है जी, वो जीत की ओर है। दूसरी तरफ जी दूसरी तरफ टेकचंद शर्मा है, उनको चुनाव लड़ने का अनुभव भी है और चुनाव की प्रक्रिया को बहुत बारीकी से जानते भी हैं वो, तजुर्बेकार आदमी। हाँ तजुर्बेकार है, जिला परिषद में वाइस चेयरमैन रहे, वाइस प्रेसिडेंट कहे, वाइस प्रेसिडेंट और फिर एक्टिंग प्रेसिडेंट भी रहे और अच्छा विधायक भी रहे और उन्होंने लोगों के बीच संपर्क भी रखा है यहाँ पर और मिलनसार भी है ऐसी बात जी। तो सारी बातों को देख के मुकाबले में है और डट के है मुकाबले में, ऐसा नहीं मुकाबले में। लेकिन फिर भी जो माहौल को देखकर हवा को देखकर फिजा को देखकर वो रघुवीर तेवतिया के पक्ष में जा रहा है। नरेंद्र मोदी आ रहे हैं कल, कोई असर नहीं, मैं तो साफ शब्दों में कहूँगा प्रधानमंत्री जी की रैली होगी। अच्छा प्रधानमंत्री जी इंदिरा जी भी गए और बहुत से लोग जाते रहे तो चुनाव खुद भी हारते रहे। अच्छा अगली वीडियो में चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री रैलियों की। हाँ। पृथला की बात अभी करते चलें जी। तो कांटे की फाइट रघुवीर राव एज जो है वो कांग्रेस पार्टी को है, मुकाबला कांटे का मुकाबला अच्छा है, अच्छा मुकाबला है कांटे का, कांटे का मैं नहीं समझता लीड जो है उनको है, मतलब जोरदार भिड़ंत है जोरदार मुकाबला है और आप उसमें कह रहे हैं एज रघुवीर सिंह तेवतिया को है। तो ये पलवल जिले की चार विधानसभा सीटें जिनके अंदर तीन प्योर पलवल और चौथी पृथला का हेडक्वार्टर पलवल, तो इन चार विधानसभा सीटों में पलवल विधानसभा क्षेत्र करण सिंह दलाल को ग्रीन सिग्नल, होडल विधानसभा क्षेत्र होडल के अंदर चौधरी उदय भान को ग्रीन सिग्नल, हथीन विधानसभा क्षेत्र हथीन में मोहम्मद इसराइल को ग्रीन सिग्नल और पृथला विधानसभा क्षेत्र पृथला में रघुवीर सिंह तेवतिया को ग्रीन सिग्नल, यानी कि चारों सीटों पर जी कांग्रेस की बढ़त आप मान रहे हैं। नहीं बढ़त लिए हुए है इस वक्त, बढ़त लिए हुए सुरजे बाकी चुनाव 5 तारीख को है क्या हो अगले 3 दिन में प्रयास करेंगे आपको एक बार फिर बताएंगे पलवल जिले की सीटों का समीकरण क्या इसके अंदर बढ़त चढ़त होती है जी। आज के लिए इतना ही, कल आपसे बात करेंगे फरीदाबाद
जिले की 5 विधानसभा सीटों पर। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।